जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की विशेष खबर। ब्राह्मणी मानसिकता से ग्रसित कुछ दबंगों के सामने कुर्सी पर बैठकर एक अनुसूचित युवक ने खाना खाया तो ऊंची जाति के लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 9 दिन बाद रविवार को उसकी मौत हो गई। समाज को हिला देने वाला यह मामला उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले का है, जिसके मद्देनजर मूल निवासी संघ उत्तराखंड जिला हरिद्वार यूनिट द्वारा टिहरी गढ़वाल में अनुसूचित जाति के इस युवक की हत्या के विरोध में उपजिलाधिकारी रुड़की के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। मेरा देश बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, हम सब एक है, लेकिन ये बातें झूठी सी लगती है। जब एक युवक को सिर्फ इस बात के चलते बेरहमी से पीटा जाता है कि उसने सवर्णों के सामने कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की हिम्मत की। जितेंद्र की इतनी पिटाई की गई कि उसको देहरादून के इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 9 दिन के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। 29 अप्रैल 2019 को नैनबाग इलाके के ग्राम श्रीकोट टिहरी गढ़वाल में शादी के दिन दबंगों के सामने भोजन करना इतना नागवारा गुजरा कि जातिवादी मानसिकता के चलते कुछ दबंगों ने अनुसूचित जाति के युवक जितेंद्र दास की नृशंस हत्या कर दी, जो आज के सभ्य और जागृत समाज के नाम पर कलंक है। इस प्रकार की कायराना एवं अहंकारी हरकत की पूरे उत्तराखंड राज्य में घोर निंदा एवं आलोचना हो रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अत्यधिक आक्रोशित और आंदोलित है। गुरुवार दिनांक 9 मई 2019 को मूल निवासी संघ उत्तराखंड जिला हरिद्वार यूनिट द्वारा टिहरी गढ़वाल में अनुसूचित जाति के युवक की हत्या के विरोध में उपजिलाधिकारी रुड़की के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन सौंपा गया, जहां मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष मूल निवासी संघ हरिद्वार के महासचिव सुधीर कुमार, मीडिया प्रभारी अनुज गौतम, जॉनी कुमार और केपी सिंह, साथ ही सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। पुलिस ने मौत के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। परिजनों का कहना है कि 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है, लेकिन इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी अभी तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। मामले पर एसडीएम की माने तो 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो लोग शामिल है उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब यह सवाल लाजमी है कि आखिर इस मामले पर 9 दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन मौत के बाद ही जाग पाया? हताश और निराश अपने बेटे को खोए परिजनों ने पुलिस के रवैये पर साफ तौर पर कहा कि पुलिस के द्वारा परिवार पर दबाव भी बनाया गया कि वे मुकदमा वापस ले ले, लेकिन बेसहारा और लाचार परिवार ने अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ाई को जारी रखा है। पुलिस पर यह सवालिया निशान खड़ा होता है कि इतनी बहरामी से बिना किसी कसूर के जितेंद्र को मार डालने के बाद भी पुलिस का ये कैसा चेहरा है जो इंसाफ दिलाने के बजाय मुकदमा वापस लेने की बात कर रहा है। बहरहाल पुलिस तब जाकर हरकत में आई है जब किसी परिवार का सब कुछ चला गया। अब देखने वाली बात होगी कि बाकी बचे दोषी कब तक सलाखों के पीछे होंगे।